हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ए ग्रेड लर्निंग। हम लोग मैं आज नई वीडियो के साथ आ गया हूँ आपके साथ, जो कि हमारे बिजनेस टर्म्स से भी रिलेटेड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बीटेक में भी ये कोर्स इस बार चलाया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और इसका यूनिट वन मैं चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज इसका कोर्स अपलोड करता रहूँगा। आप प्लीज़ जरूर देखिएगा हमारी वीडियो को, और अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में आखिरी तक बने रहिए कि पूरा आपको ये यूनिट वन समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये फ्रेंच वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसको कहते हैं एंटरप्रेंडर। ठीक है, एंटरप्रेंडर का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हु वेयर अंडरटेकर्स, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो कि नए आइडेंटिफिकेशन, नए क्रिएटिविटी, इनोवेटिव माइंड को जो जनरेट करते हैं या नए इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसके हिसाब से अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने बोला था इसके बारे में, एक डेफिनेशन उन्होंने दिया था, क्या होता है एंटरप्रेन्योर, इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। मतलब एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, मतलब मार्केट के हिसाब से वो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करना शुरू करते हैं। तो ऐसे तो एंटरप्रेन्योर, हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट, ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे हम लोग यूजफुल एंड गुड सर्विसेज की बात करते हैं, जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग अपनी इंडिया को या अपनी कंट्री को सर्व करते हैं इन अ मार्केट, तो वो हो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के। पहली चीज तो एंटरप्रेन्योर जो भी होता है वो हमेशा सक्सेस के लिए ही सोचता है कि उसको आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही चाहिए। सेकेंडली, अर्ज टू लर्न अ न्यू थिंग्स, मतलब वो हमेशा जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो क्रिएटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ऑलवेज इनोवेटिव, वो उनके पास जो भी दिमाग होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो माइंड होता है वो हमेशा कुछ इनोवेटिव सोचता है। इनोवेटिव का मतलब क्या हो गया, जो कोई चीज, जो भी प्रोडक्ट या कुछ ऐसा टर्म जो मार्केट में अभी तक नहीं आया हुआ है, बट उसको हमें मार्केट में लॉन्च करना है एज पर द ह्यूमन या मार्केट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो होता है इनोवेशन, और ऑलवेज इनोवेटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका एक क्रिएटिव माइंड होता है और उनके पास हमेशा किसी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल रहता है। इसके अंदर अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, जहां पे हम लोग कोई अपना एक्टिविटी या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मींस द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, जहां पे कोई चीज नई बनाई जाती है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओपनिंग न्यू मार्केट, जहां पे हम लोग मार्केट को एस्टैब्लिश करते हैं, नई मार्केट जनरेट करते हैं, वही क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या आता है, कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके। पहली चीज तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को। जितने भी चैलेंजेस हमारे मार्केट में फेस किए जा रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन के डेली लाइफ में फेस किए जा रहे हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर कुछ वर्क करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक रिस्क टेकिंग एनवायरमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है एंटरप्रेन्योर, वो हमेशा रिस्क लेके ही करता है कि वो मार्केट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर हमेशा एक डिसीजन मेकर होता है, जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मार्केट के लिए, अपनी इंडिया की इकोनॉमी के लिए या फर्दर कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी सोचता है, जिस भी कंट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म सेटअप हो रहा होगा। इट इज़ अ स्किलफुल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है, ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहाँ पे स्किल्स की बात की जाती है, स्किल को मैनेज करने की बात की जाती है। डिफरेंट एम्प्लॉय होते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं, तो उनके मैनेजमेंट की बात एंटरप्रेन्योरशिप में भी की जाती है। सेकेंडली, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एंटरप्रेन्योरशिप क्या मतलब है, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक टाइप का फर्म है, इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फेजेस की बात करूंगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के
पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेजेस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। तो पहला होता है इनिशियल फेज, सेकेंड होता है डेवलपमेंट फेज और सपोर्ट फेज। मैं इन तीनों को थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगा। इनिशियल फेज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो इनिशियल फेज यूज किया जाता है, जहां पे अवेयरनेस लाई जाती है, क्रिएशन किया जाता है, मतलब कि हम अभी जानते हैं कि क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही है, हम उसका सर्वे भी शुरू करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है इनिशियल फेज आता है। जहां अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ये सर्वे बेस्ड होता है, ठीक है, वही इनिशियल जहां हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सेकंड इज द डेवलपमेंट फेज, जहां हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और मैनेजमेंट स्किल्स को शो करते हैं, जहां हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जो भी प्लानिंग आपने किया होगा, जो भी आपने सर्वे परफॉर्म किया होगा, उसका डेवलपमेंट शुरू करते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट फेज। सेकेंड क्या होता है सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज का मतलब क्या होता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाता है किसी के थ्रू, या हम लोग नई एंटरप्राइज को जब इस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स की जरूरत होती है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने प्रोडक्ट, कितने नई नई इनोवेशन या क्रिएटिव चीजों की जरूरत है, उसकी एक काउंसलिंग करते हैं और उसके हिसाब से हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसको एक गाइडेंस भी कहीं ना कहीं चाहिए होती है कि मुझे कोई नई नई चीजें बताए। जैसा कि मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था आपको एंटरप्रेन्योर की, वो क्या होते हैं क्रिएटिव थिंकर होते हैं, न्यू थिंग सीखने के लिए बहुत ही एग्रेसिव होते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बॉर्न। इस पे आपको एग्जाम में कमेंट, मतलब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बॉर्न का मतलब ये हो गया कि एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता है जो कि पैदा होते ही चीजें जान जाता है, ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि अपने एनवायरमेंट, अपनी सोसाइटी के हिसाब से चीजों को सीखता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन को वो तभी इस्टेब्लिश करता है जब वो खुद अपने रियल वर्ल्ड में उस सिचुएशन को क्या करता है, फेस करता है। तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर आर मेड, वो एंटरप्रेन्योर जब सोसाइटी में किसी चीज की कमी आती है, जब सोसाइटी में वो चीज अवेलेबल नहीं होता है जो लोगों को रिक्वायर्ड है, या मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है जो कि लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, उसको डेवलप करने का एक तरीका, उसको नए तकनीक के थ्रू या नई टेक्निक्स के थ्रू हम लोग मार्केट में लेके आते हैं, वही क्या होता है एंटरप्रेन्योर होता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो ही होते हैं जो कि सिचुएशन और अपने एनवायरमेंट को देख करके कुछ नई चीज़ें, नया एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं और नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो दैट इज द एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट टू बॉर्न, ठीक है। तो आप इस पर, ये नया टॉपिक है, ये नया क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें तीन टाइप की थ्योरी है, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी होती है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी होती है और साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है। इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे इकोनॉमिक की बात की जाती है, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर इकोनॉमिक की जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक के बिना मतलब क्या है, पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अगर हमारे पास जो भी कंपनी में फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन वो फेवरेबल नहीं है हमारे हिसाब से, तो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में फेल हो सकते हैं। सेकेंड क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो माइंडसेट से कोई चीज सोचते हैं, या हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो लोगों के थॉट्स को देखते हैं, लोगों के हैबिट्स को देखते हैं, उनके माइंड को पढ़ते हैं, उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं कि हमें मार्केट में क्या क्या जरूरत है या कंज्यूमर को क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कोई इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या होता है साइकोलॉजिकल थ्योरी होता है। एंड थर्ड होता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल का मतलब जो हम कल्चरल बेस देखते हैं, हमारा कल्चर, हमारी
ट्रेडिशन को जो फॉलो नहीं कर रहा होगा, या हमें जब उसको आगे बढ़ाना होता है, जैसे कि हमने मार्केट में क्या देखा, हमने अभी अंबानी एंड ग्रुप ने एक नया फर्म स्टार्ट किया है, नीता अंबानी एंड कल्चरल सोसाइटी या कल्चरल फर्म स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को आगे लाने के लिए बात किया है और उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सेट किया है। तो वो उस टाइप के सोशियोलॉजिकल थ्योरी को हम लोग जब ग्रैब करते हैं या जानते हैं या कोई एंटरप्रेन्योर जानता है और उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है, तो दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब हम लोग एक बात करेंगे कुछ टॉपिक की जो कि स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, जो मार्केट में बहुत ही सारा टाइप की इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। देखिए मार्केट में दो टाइप की इंडस्ट्री सेटअप रहती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। वैसे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट में होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं लोग, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन इट, ठीक है। SSI, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSI भी कहते हैं। एग्जाम में अगर SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाता है, ठीक है। तो विच आर कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम लोग देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा सर्व करती है। इंडिया की इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा हेल्पफुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। कैसे? तो वो नए नए जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या नए नए कैंडिडेट्स होते हैं, नए नए जो भी नीडी होते हैं जॉब के लिए, उनको ग्रो करता है और हमारे इंडिया को सर्व करता है। वो नए जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग ग्रैब करते हैं या रखते हैं अपने कंपनी में, वो क्या करते हैं कि मार्केट को नए लेवल तक लेकर के जाते हैं, कुछ नया क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ नया इनोवेटिव सोचते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होगा उनके फर्म में, पर्टिकुलर फर्म में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50 से कम एम्प्लॉई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन कौन सी टाइप की होती है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री और एंसिलरी इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। जैसे कि आप पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब कि जहां नई नई चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जैसे कि पावर लूम्स कह सकते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकती है? सर्विस इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री, जैसे जहाँ लाइट या रिपेयरिंग के थ्रू जो इंडस्ट्री डेवलप करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या होता है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है। टेक्नोलॉजी आप समझ ही रहे होंगे। एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होती है, आइए देखते हैं इसके बारे में। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब होता है विच प्रोवाइडिंग पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू लार्ज इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जहां पे कोई किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पार्ट या कंपोनेंट हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेल करते हैं या उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो होता है एंसिलरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पोजीशन क्या है हमारे इंडिया में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पोजीशन क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है एग्जाम में, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। SSI का रोल क्या है, क्या पोजीशन है? पहली चीज तो आप जान लीजिए कि इसका रैपिड ग्रोथ हुआ है हमारे, मतलब ईयर टू ईयर इसका ग्रोथ होता चला जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नए नए टेक्नोलॉजी फिर से इंप्लीमेंट किए जाते हैं और वहां पे रैपिड ग्रोथ होता चला जाता है। सेकेंडली क्या है, नंबर ऑफ स्केल स्मॉल इंडस्ट्री इंक्रीज टू 0.86 मिलियन। हम लोग इसलिए एक सर्वे हुआ था जहां पे हमने देखा था क्या 1980 से लेके 2012 तक कितने मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, 0.86 मिलियन का इंक्रीमेंट होता चला गया इसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट रैंक फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट पे ही ग्रो कर रही है। हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह लोगों की रिक्वायरमेंट, कोविड के सिचुएशन में भी आपने देखा होगा सारी फैक्ट्री सारे फर्म सब कुछ बंद हो गए, लेकिन फूड प्रोडक्शन जो कंपनी होती है वो बंद नहीं हुई थी। इनफैक्ट
फूड प्रोडक्ट जो बनाती है, फूड प्रोडक्ट को सेल करती है, वो आपके होम डिलीवरी तक उन्होंने कोविड टाइम में डिलीवरी की थी। तो ये फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है वो सबसे नंबर वन इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। सेकेंडली हम लोग जानते हैं, पहले तो 45 to 50% ऑफ एक्सपर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द SSI इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 45 से 50% जो भी इंडियन एक्सपोर्टर होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की डेट में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स में हेल्पफुल होती है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जान जाते हैं। हमें पता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पे पर्सन और कैपिटल लार्ज नंबर में होते हैं। कैपिटल का मतलब आप जानिएगा, ये दो नंबर में भी पूछ सकता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा दिक्कत होती है, बट मैं बता देता हूँ कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको जितना मनी लगा, ठीक है, जितना पैसा आपको अपनी फर्म स्टार्ट करने के लिए लगा है उसी को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सेकंड, कंप्लीट वर्क थ्रू लार्ज मशीन्स। लार्ज स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नए नए मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स पे वर्क किया जाता है। इनफैक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे लाइक टेक्सटाइल कंपनी होती है और कॉटन इंडस्ट्री होती है और बहुत ही बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज फर्म्स होती हैं जो कि वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। हैविंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इनके अंदर स्ट्रक्चर कुछ अलग फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये लोग ये पोस्ट करते हैं, HR पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली आप समझ लीजिएगा कि डिफरेंस इसमें एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो स्मॉल स्केल में मैंने आपको बताया कि जहां पे मैन पावर, टूल, मशीन, ठीक है, वो कम होते हैं, बट लार्ज स्केल में क्या होते हैं, लार्ज बेसिस पे होते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक मास प्रोडक्शन करती है हमेशा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो एक लेस अमाउंट में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो आपको आई होप कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक की अब बात करने जा रहा हूं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्टेजेस इन स्टार्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व करते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, SSI को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस होता है स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट। हम लोग को मार्केट में पहली चीज पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा कि क्या क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या बिजनेस का एनवायरनमेंट चल रहा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना होगा। सेकेंड स्टेज देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एंड फिजिबल आइडिया, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वो आइडिया जो हमने सर्वे किया था मार्केट से, जो हमने एनवायरनमेंट मार्केट एनवायरनमेंट से सर्वे किया था, उस सर्वे को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, आइडिया जनरेट करना है, वहां से आइडिया ले आना है कि अब हम लोग क्या ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि मार्केट के लिए और कस्टमर और कंज्यूमर के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। फिर सेकेंड है डिसीजन मेकिंग स्टेज। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या साइज हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, क्या प्रोजेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो डिसीजन हमें यहाँ लेना होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग जान नए चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटी को प्लान करते हैं कि हमें कैसे मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, या हमें किस किस चीज़ों की मार्केट से सर्वे की जरूरत है और उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इसी से सिमिलर मिलता जुलता ही है प्लान इंप्लीमेंटेशन, मतलब प्रैक्टिकल स्टेज भी कहते हैं, मतलब हमने जो भी प्लानिंग करी, ठीक है, फाइनेंशियल से लेके प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हमने जो प्लान कर ली है, अब उसका टाइम आ गया इंप्लीमेंट करने का मार्केट में, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्टेज भी, जहां हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज करेंगे, यूज करने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, एट लास्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन द सेंस, अब हम लोग सारी जो भी चीजें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी है मार्केट में उसकी कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग लाइक व्हाट, एडवर्टीजमेंट की कंट्रोलिंग,
ठीक है, जो हम लोग बिना मार्केट में एडवर्टीजमेंट किए तो हमें प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी कंज्यूमर के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई, जो भी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में तो उसके बारे में अवेयरनेस भी तो करानी है। तो अवेयरनेस कैसे होगी? अवेयरनेस हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूशन या जो भी हम लोग ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं उस ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना है कि कितना ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से हमें फिर से कोई प्लानिंग सेटअप करनी पड़ेगी कि हाई से हाई रिवेन्यू जनरेट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये आई होप कि प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में जरूर आता है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इसके नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, प्लीज लिंक में जाकर के नोट्स आप इसको देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये नोट्स पा जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज फॉर SSI, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फिजिकल रिसोर्स यूज होता है, टेक्निकल रिसोर्स यूज होता है, मैन पावर होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। मतलब फिजिकल, अब ये जानिए कि फिजिकल फिजिकल रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम लोग हमें रिक्वायरमेंट होती है क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको हम लोग प्लान करना पड़ता है एज अ फिजिकल रिसोर्स। ठीक है, टेक्निकल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या उनकी क्वालिटी, मतलब हम जो भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री हम लोग सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए प्रेजेंटेशन परफॉर्म करनी है, हमें प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी मीटिंग में, तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी होगी, तो वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाएगा। तो टेक्नोलॉजी रिसोर्स का भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी फर्म में। नेक्स्ट आता है मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स का मतलब क्या हो गया भाई, जहां पे परफॉर्म या एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, मैन पावर लोगों की क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन, नॉन टेक्निकलिटी, सारी चीजें हम लोग उसमें जानते हैं कि मैन पावर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास कितना क्वालिफिकेशन है, कितना उनके पास नॉलेज है, कितनी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करा सकता है। ठीक है, तो वो मैन पावर रिसोर्स में आता है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे हम लोग पहली चीज जान लीजिए कि ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल टर्म, ये टर्म ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए या किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है या और मनी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि रूल ऑफ नेशनल ऐसे एजेंसीज होती हैं कुछ, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करती हैं, उनका कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है उनके पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सपोर्ट करती है। तो पहला जो आता है वो DIC आता है। DIC का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, जहां पे वो प्रोजेक्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है TCO, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करवाने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जहां वो प्रोवाइड करते हैं लोन किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। भाई जब तक लोन, भाई कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटरप्रेन्योर, उसके पास कोई पैसा रखा तो है नहीं घर में, ठीक है, जब पैसा नहीं रखा है तो वो कहीं ना कहीं से तो लोन लेगा, कोई इन्वेस्ट करेगा उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, ग्रो कराएगा, तो वो लोन लेता है। तो वो कौन से कॉर्पोरेशन होते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है SISI, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब प्रिपेयर डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि ये इंडस्ट्री क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले होते हैं उसकी डिजाइन को और उसके लेआउट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC,
ये क्या करते हैं, ये वर्कर को हेल्प करते हैं जो भी मॉडर्न मशीनरी यूज की जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जो भी नए नए मॉडर्न मशीनरी यूज करते हैं, नए नए मशीन्स का यूज होता है, वो बहुत सारे एम्प्लॉई उसको चला नहीं सकते हैं, ठीक है, चला नहीं पाते हैं, तो वो क्या करा जाता है, ये कॉरपोरेशन, ये इंडस्ट्री क्या करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि अब प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होती है, उनकी प्रोडक्शन और जो भी प्रमोशन एडवर्टीजमेंट होता है उसके बारे में ध्यान देता है। और नेक्स्ट एट लास्ट होता है नाबार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, और आई होप कि टेक्निकल जो फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी इसके बारे में पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली करते क्या है कि ये कैपिटल और हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसमें, रूरल एरियाज के लोगों को, जो रूरल एरिया में अपने ऑर्गेनाइजेशन की या कोई छोटे छोटे स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको वो कैपिटल और हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो सही तरीके से मार्केट की नीड को पूरा कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट की वीडियो के साथ मैं फिर आपके साथ आऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।